अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल कंटेंट पर है और लव्स पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तानी होने की बात करते हैं, अपनी शनाख्त की बात करते हैं, यानी कि ग्रीन पासपोर्ट की बात करते हैं, ग्रीन झंडे की बात हम करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके मुहिब वतन होने का सच्चा सच्चा सा सबूत देती हैं। आज का स्पेशल प्रोग्राम यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से दिफाए पाकिस्तान के प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ और बहुत सारी बातें पाकिस्तान के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से हम यूजुअली अपने घर में बहुत सारी बातें करते हैं। 1965 की जंग, यानी आज से 56 साल कबल जो हाल हुआ था दुश्मनों का और जो हमारी अफवाज ने हाल किया था, वो आज भी हमें याद है। और वहाँ पर जहाँ पर हमारे फ़ौजी भाइयों ने जिस तरह से अपना रोल अदा किया और जिस तरह से अपनी सरजमीन की हिफाजत की, और आज तक हमारा सर बुलंद है उनके कारनामों से, वहाँ पर जहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना किरदार अदा किया, वहाँ पर पाकिस्तानी गुलुकारा मैडम नूर जहाँ ने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया था, और उनके नगमात ने जो एक जान भरी हमारे फ़ौजी भाइयों के अंदर, आज तक वो मोमेंटम, वो जज्बा, तमाम चीज़ें इसी तरह से दिखती हैं। आज की अगर हम बात कर लेते हैं इस एरा की, तो यकीनन हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, एक आम पाकिस्तानी भी है, एक आम बच्चा भी है, यूथ भी है, जो बहुत ज़्यादा मिलीजुली सोच रखता है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि दौर जो आजकल का दौर है बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत मॉडिफाइड है, और चीज़ों को सोचना, समझना, जानना, उनको जज करना बेहद आसान हो चला है। लेकिन उसके बावजूद भी फ़नून लतीफ़ा की अगर हम बात करें, तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जो खुसूसी तौर पे जो हमारे सिंगर हजरात हैं, जो सिंगर खवातीन हैं, वो भी अपना रोल गाहे बगाहे पेश कर रही होती हैं मिली नगमे की सूरत में। तो चूंकि मैडम नूर जहाँ की मैंने बात की कि उस दौर में मैडम नूर जहाँ के नगमा से जो एक जज्बा उभर उभर के हमारे तमाम फ़ौजी भाइयों में ट्रांसफ़र हुआ, वो जज्बा आज भी फ़नून लतीफ़ा में बहैसियत सिंगर लोग किस तरह से उसको ओन करते हैं, कैरी करते हैं, इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे पास एक जानी पानी शख्सियत जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, अरशद महमूद सर हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम दिफाए पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे और कुछ मेमोरीज भी रिवाइज करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले करते हैं सर को वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी आज के दिन आपने मुझे याद किया, बुलाया मुझे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया अपना। नहीं, माय प्लेजर, क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन है कि दुनिया के अंदर जो है, जब पाकिस्तान जब बना था, और पाकिस्तान के बाद जब ये सन 1965 को जब ये वाकया हुआ है जी। इस वाक्य को दुनिया में जितने लोग हैं कभी फरामोश नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके दिलों के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने क्या किया था, बिल्कुल ऐसे ही हिंदुस्तान के साथ। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, वीनस चैनल का, वीनस HD का, कि जिन्होंने माशाल्लाह आते ही धूम मचा दी, बिल्कुल धूम मचा दी, इतने सारे चैनल्स के झुरमुट के अंदर से इस तरह से निकल के आना और दिनों में अपना एक मकाम बनाना। बहुत मैं आपके तमाम मालकान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपके जितने काम करने वाले लोग हैं, कैमरा मैन हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी मुबारक हो सर। थैंक यू, थैंक यू सर। हम बात कर रहे हैं आज यौम दिफाए पाकिस्तान के ऊपर, और प्रोग्राम का नाम है दिफाए पाकिस्तान। दिफाए पाकिस्तान, और वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि बहैसियत पाकिस्तानी हम हर सांस दिफा कर रहे होते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान का भी, और आज भी वो एक तहरीक सी जाग जाती है ना हमारे अंदर, जब कभी पाकिस्तान को मैली आंख से कोई देखता है, कोई बात करता है, तो वो वाला जज्बा हुब्बुल वतनी। तो सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप उस वक्त क्या उम्र थी आपकी, आपकी क्या मेमोरी थी, या बाय द पासिंग द टाइम और कैसे कैसे आपकी मेमोरीज बनती चली गईं? यकीनन कुछ ना कुछ तो आपके पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए। आप मेरी उम्र के बारे में डायरेक्ट पूछ लीजिए सर। बचपन उस टाइम पे जो लोगों के बचपन भी थे सर, बिल्कुल बहुत कुछ मजाक कर रहा हूं आपसे। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे 6 सितंबर हो गया जी, 23 मार्च हो गया, 9 सितंबर हो गया, 14 अगस्त हो गई, ये वो प्रोग्राम है कि इनके अंदर जो है ऐसी गुफ्तगू होती है कि कोई डेट गलत ना हो, कोई चीज, कोई किसी के बारे में किसी का नाम गलत ना हो जी, बिल्कुल। क्योंकि वैसे अगर आप बात करते हैं ना, तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मैंने अगर आधा ले लिया हाँ। तो मैंने माजरत कर ली, तो इस तरह से मैं अगर इनमें जो हमारे जो हीरोज हैं, इनमें से हम किसी का नाम ना तो गलत ले सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं उस वक्त 10 साल का था, अच्छा 9-10 साल का था मैं, सही। और हमारे घर के, मैं लोकेशन रोड़ी में पैदा हुआ, तो हमारे घर के बैक साइड पे पहाड़ी पहाड़ है, और उसके बैक साइड पे इंडिया का बॉर्डर लगता है, अच्छा। तो वहां से मुझे याद है कि सुबह सुबह
के टाइम जहाज़ आते थे, और जब वहाँ से जहाज़ आते थे तो इतने उनकी बुलंदी इतनी होती थी कि हम गौर से उसका नाम तक पढ़ सकते थे, अच्छा इतनी नीचे वो मतलब वो आ रहा होता था, सही। या फिर 4:15 बजे के टाइम पे आ रहा होता था। हाँ। तो हमारे घर के बाहर जो मैं, चूंकि मैं छोटा था, खालिद जो है मेरा छोटा भाई वो बहुत छोटा था, तो हम मेरे लिए वालिद साहब के लिए जो है ना बाहर 2 खंदकें खोदी हुई थी हम लोगों ने, अच्छा, और अंदर जो है हमारी बहनें, मेरी वालदा, जी, वो चारपाइयाँ जो है ना, जी चारपाइयों के नीचे दो दो ईंटें रख के हाँ उन पे चारपाई रखी होती थी, ताकि खुदा ना खास्ता बम्बार्डमेंट हो तो अगर घर गिरे तो वो चारपाइयों के ऊपर गिरे, नीचे जो है लोग बच जाए, सही तो सही उसमें सही सारे बहन जो हमारी बहनें और वालदा वो नीचे, और हम दोनों जो हैं, मैं वाले साहब, हम लोग बाहर खंदक के अंदर लेट जाते थे जैसे सायरन होते थे, क्योंकि वो लोको शेड थी ना, तो वहाँ से मतलब इंजन बनते हैं, वहाँ से पुर्जे बनते हैं उनके, जी और बहुत बड़ा स्टेशन है वहाँ का हाँ रोड़ी हाँ का, तो वहाँ पर एक पुल है जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाता है, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाता है, रोड़ी से ट्रेन चलती है, जी रोड़ी जी जंक्शन है, वहाँ जी से बलूचिस्तान के, तो वो जो ब्रिज है ना उसको डैमेज करने के लिए आते थे। अच्छा तो वहाँ पे सदरुद्दीन सरकार बादशाह, हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग है वहाँ पे, सक्खर का जो ब्रिज है उसके साथ ही बहुत बड़ा दरबार है, अच्छा और उनके दरबार के ऊपर छत नहीं है, और किसी परिंदे को आज तक ताकत नहीं है कि वो ऊपर से गुजर जाए, वाह बारिश होती है बारिश का पानी अंदर नहीं आता, क्या बात है, तो हमारे हमारे मुल्क को बुजुर्गों ने बहुत बचा के रखा बिल्कुल हुआ सही था। कह रहे हैं सर। तो वहाँ जब वहाँ बम मारने के लिए आते थे, तो जब वो पायलटों को पकड़ा इंडिया के, उनसे जब पूछा तो कहने लगे कि मैं जब बम मारता था तो मुझे तीन तीन चार चार ही पुल नजर आते थे, और हाँ नीचे मुझे कोई एक बुजुर्ग नजर आते थे इतनी बड़ी दाढ़ी वाले, और उन्होंने हरे रंग का उन्होंने कुर्ता पहना होता था, और वो नीचे मुझे नजर आते तो ऐसे करके पकड़ते थे, पानी में फेंक देते थे। तो वो उस ब्रिज को आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कुछ हुआ, नहीं हो सका, और अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि जब मैं टब बाल्टी जो है ना पानी की भर के बाहर रख लेता था, हाँ और छोटे छोटे टुकड़े कपड़े के काट के ना तौलिए के हाँ हाँ वो उसके अंदर गीले कर करके ना जो लोग वहाँ से गुजरते थे उनको देता था, क्योंकि वो शेलिंग जब होती थी तो उसका धुआं नाक में आँखों में आँखों जाता था, कुछ में नज़र नहीं आता था। तो वो मैं कहता था चाचा ये कोई आ हाँ रहा है, हाँ कोई हाँ अद्दा ये ले हो, भाईजान ये ले हो, तो वो सही सबको मैं देता था ताकि आँखों में रखो, और आशा तो वो मुझे कभी नहीं भूल सकता मैं, जो 65 की जंग है मुझे बहुत अच्छे तरीके से और याद है। ये जो आप तरीका करते थे, ये जो आप मदद करते थे लोगों की, जी जी ये इसका मतलब आपको ट्रेनिंग मिली थी, आपने घर में किसी को करते हुए देखा, या जी आपकी अपनी एक सोच जी थी कि मदद करनी है? नहीं मुझे बताया था मेरे वालिद सही साहब ने हाँ के जिए को ही कम थे को मतलब बम्बार थे को तहने सही में कपड़ो आलो करे पर डेढ़ों सब अखिल रखन, सही तो वो आंखें से देख सके आगे से, तो उस लिहाज से वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। और उसके अलावा इसमें ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं, हम छोटे छोटे से थे तो रेडियो पाकिस्तान पे हमारे उस वक्त जनरल अयूब साहब सदर पाकिस्तान थे, तो जी जब पहला अटैक हुआ है लाहौर में, सबसे पहला अटैक हुआ को मेरे ख्याल है 6:30 बजे या 6:45 बजे के टाइम पे, तो उस वक्त उसके बाद जो है जनरल अयूब साहब आए हैं रेडियो पे, आके उन्होंने अपनी स्पीच की है और कहा कि मेरे प्यारे हम वतनों, ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्त करने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है, और ये 10 करोड़ आवाम जो है ये बाहर निकल, उस वक्त तक 10 करोड़ की आबादी थी पाकिस्तान की 65 में, तो ये बाहर निकले और पाकिस्तान के अपने प्यारे मुल्क को बाहर निकल के बचाए, और उस वक्त सिर्फ फौज फौज नहीं थी, फौज के साथ पूरी आवाम थी, और जब किसी मुल्क की आवाम जो है फौज के साथ आ जाए जी हाँ तो फिर तो उस मुल्क के ऊपर कोई मैली आंख से देख नहीं बिल्कुल सकता, ऐसा ही और है। यही वजह है। और मुझे तो मेरी माँ ने बताया कि 65 की जंग में मस्जिद नबी में मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वो एक हमारे बहुत बड़े नामवर शख्सियत गुजरी हैं, मुझे उनका नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा, उनको ख्वाब में आया था कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग को जो है ना उस जंग में इनका बहुत हाथ था, इन्होंने बहुत हमारे मुल्क को बचाया।
तो हमारे मुल्क के जो इतने बड़े बड़े जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो शख्सियात हैं, जो जी हमारे बुजुर्ग शख्सियात हैं, जी उनकी वजह से है। आर्मी के बाद आर्मी है, जी बुजुर्ग शख्सियात हैं, फिर हमारी आर्मी है, बिल्कुल तो उसकी वजह से हमारा जो मुल्क है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है और सलामत है सलामत रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। वो जब भी हम वैसे जनरल डिस्कशन भी हम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें यही हम बात करते हैं कि भाई इस मुल्क पे तो बुज़ुर्गों का साया है, बेशक ऐसा ही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको पता है अकलियत तो यहाँ पे भी बहुत है ना, पाकिस्तान में भी अकलियती लोग तो रह रहे होते और ये हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ अकलियतों के जी इतने हकूक हैं जी कि हमारे सिंध में कहीं अगर कोई दिवाली या कोई होता है जी कोई जी प्रोग्राम तो मैं जाता हूँ बीच में प्रोग्राम करने के बिल्कुल लिए। सर, कराची शहर में जी बहुत मैं सिंध में चीज़ें जाता मौजूद हूँ, हैं बिल्कुल। सिंध में जाता हूँ, कश्मीर जाता हूँ, सिंध के दूसरे इलाकों में जाता हूँ जहाँ पर हमारी हिंदू बिरादरी रहती है, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, मैं जाके करता हूँ। और वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा महसूस हो कि मैं किसी अपने दूसरे माइनॉरिटी के बिल्कुल प्रोग्राम में आया। बिल्कुल नो वे, बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने पाकिस्तानियों के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। सर, ये बींग अ मुस्लिम बींग अ मुसलमान, ये हम पाकिस्तानियों का खासा है कि हम कायद वाम आजम का भी वेलकम करते फरमान हैं है, कायदे आजम। जी जी कायद आजम का भी फरमान है जी कि ये मुल्क जो है सिर्फ ये मुसलमानों का नहीं है, ये मुल्क जी पाकिस्तान जो है जी सबका है, इसके जी अंदर माइनॉरिटी के लोगों का भी उतना ही हक है जितना हमारे मुसलमानों का और मुझे तो ऐसे ही लगता है सर, शायद कराची अकेला ये बोझ संभाला हुआ है, क्योंकि कराची में भी है। बहुत सारी इसी तरह की चीज़ें देखने में आपको आ रही होती है ना। मतलब आप कराची किसी एक का तो नहीं है, जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि शायद कराची में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग वाले लोग ना रहते ना हैं, ना ना, मतलब कराची नहीं, कराची में मल्टी लैंग्वेज वाले लोग बोल रहे होते हैं। कराची हमारा को मुल्क वाहिद, पाकिस्तान इतना बड़ा है, इतनी ज़ुबानें जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कराची को वाहिद शहर है कि जिसके अंदर हर हर मजहब और हर बोली बोलने वाला है, हाँ बिल्कुल ऐसे खा ही वो है। सिंधी हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, हाँ पश्तून हो, बलोच हो, या कोई बरोई हो, जी कोई भी हो, वो सारे आपको कराची के अंदर मिलेंगे। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ सर, अगर ज़्यादा ही कुछ है तो आप मोची की दुकान पे चले जाएं और नान वाले के पास आप चले जाएं, हाँ आपको पता लग जाएगा किसी, बहुत सारे लोगों के अंदर वो करेज नहीं होती है ना जो उनके अंदर करेज है। लेकिन बड़ी 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 ही मेहनती कौम है बहुत ज़्यादा पठान जो है ना, जी, बड़ी मेहनती कौम है, मैंने इनको देखा है, प्याज रोटी भी खाते हुए देखा है प्याज मैंने। रोटी जी तो मैंने पंजाबी को भी खाते देखा है, हाँ क्योंकि जो अराई फैमिली है ना जी 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 उनकी जी पहचान जो है हाँ बिल्कुल वो कहते हैं बिल्कुल कि जी प्याज जो है उनकी पहचान है, बिल्कुल तो प्याज के अंदर क्या ताकत है आप सोच नहीं सकते। जी। इंशाल्लाह फिर कभी किसी प्रोग्राम में हाँ आपको प्याज की ताकत भी सर जरूर बताएंगे, जरूर आज सर, तो हम आपको फौज की ताकत फौज बताएंगे। की ताकत बताएंगे, और अल्लाह का शुक्र अदा हम करते हैं इस बात का हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी रियासत से हमारा ताल्लुक है, कि एक ऐसी ऐसी सरजमीन से हमारा ताल्लुक है कि ऑटोमेटिकली एक आपका, शायद लोगों को लगता है कि अगर आप किसी बरी या बहरी या फजाई फौज से ताल्लुक होगा आपका, या उस फैमिली से अगर आपका ताल्लुक होगा, तो शायद मोहब्बत होगी पाकिस्तान से, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे आप हाँ आर्मी के हवाले से अगर आप चीज़ें देखें और डिफरेंट फोर्सेस के हवाले से आप बातें देखें, तो आपको आपको क्या लगता है कि हम एक बहसे, जैसे आप आर्टिस्ट हैं जी, तो यकीनन आप एज अ सिंगर, आपको भी बहुत सारी चीज़ों का सामना तो करना पड़ा होगा ना, बहुत सारी, जब पाकिस्तान की बात आती है तो जी अपने जी जी इमोशंस, अपने जज्बे बिल्कुल कैसे, बिल्कुल क्या किस बिल्कुल, आप तरीके से बिल्कुल सही कंट्रोल। कह रहे हैं। लेकिन 65 की जंग में जो फनकारों का जो जज्बा था ना, जी फनकार हमारे शुरा कराम, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, इनका जो जज्बा था, जो जो जिस तरह से इन्होंने कलाम लिखे और जिस तरह से म्यूजिक की धुनें बनी और जिस तरह से हमारे बिल्कुल लोगों ने गाया उस वक्त के, मतलब मेडवन नूर जहां साहिबा जी ने, मेहदी हसन खान साहब ने जी और मसूद राणा साहब ने और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे माला साहिबा ने, शौकत अली साहब ने, अमानत अली खान साहब ने, बेशुमार लोगों ने जब वो नगमे गाए हैं और वो नगमे तराने जो थे ना, जी वो ऐसे जज्बा हुब्बुल वतनी ऐसी उनकी बिल्कुल जगाते थे कि बिल्कुल हर तरफ एक ही नारे की आवाज़ आती थी, बिल्कुल नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाराए हैदरी जी या अली, ये आपको नारे सुनाई देते थे। और ये जज्बा है और ये जज्बा ही था, वरना आप देखें कि बीआरबी नहर जो है लाहौर के साथ, यहाँ पे हमारे जो ख़ास तौर पे एक मेजर अजीज़ भट्टी साहब, शहीद मेजर अजीज़ भट्टी साहब, और उनके अलावा मेजर शफकत, ये दो शख्सियत ऐसी थी, ऐसे हमारे जानसार थे कि इनके साथ 110 सिपाही थे, 110 फौजी थे, और उन्होंने 10 घंटे तक, 10 घंटे तक बीआरबी जो नहर है वहाँ पे इन्होंने उसको हिफाजत से रोक के रखा हुआ था,
वरना बड़ी बात है, जी 10 घंटे तक उनको रोके 110, जी जबकि 5 गुना उनके फौजी ज्यादा थे, और जाहिर है बड़ा मुल्क है तो उनके, लेकिन बड़ी फौज होने से या ज्यादा वो सारी चीजें होने से कुछ नहीं होता। जी हाँ, फौज जो लड़ी जाती है ना वो यहाँ से लड़ी जाती है, बिल्कुल ऐसे जज्बा ईमानी से लड़ी जाती है। तो मुसलमानों का जो जज्बा है ना, वो नारा लगा के घुस जाते थे। आपको आपको मैं याद दिलाऊं, एक शहर है सियालकोट के पास चविंडा, उसकी जी, अपनी एक दास्तान है चविंडा की। जी 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 वहाँ पे टैंक जो है ना, उसको टैंकों का कब्रिस्तान भी कहते हैं चविंडा को। बिल्कुल कहते हैं। चविंडा के लोगों ने वहाँ जब देखा ना कि फौज के साथ वहाँ के लोग जो है वो बाहर निकले थे, उन्होंने अपने बम बांध लिए थे और बम बांध के टैंकों के नीचे जाने के लिए तैयार थे। सही। तो इंडिया के जो जनरल वगैरह थे, उनको जब पता चला कि इनकी तो आवाम जो है ये बम बांध के टैंकों के नीचे आने के लिए तैयार है, इतना इनका जज्बा है, तो वो टैंक जो है ना वो वापिस हुए, और कई टैंक जो है कितने कितने साल तो वहाँ चविंडा स्टेशन पर खड़े रहे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और इसीलिए चविंडा को मतलब दास्तान के अंदर चविंडा का नाम जो है वो बड़ा सुनहरी लफ्जों में लिखा जाता है कि चविंडा ने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ के लोगों ने, और वैसे तो पाकिस्तान के लोगों ने बहुत माशाल्लाह बढ़ चढ़ के उस जंग के अंदर जी उसमें हिस्सा लिया था। जी लाहौर के तमाम लोगों ने बाहर आ गए थे डंडे और हाकियाँ लेके। हाँ बिल्कुल, आप सोचें जी, उनका जज्बा देखें। जज्बा है जी, डंडे और हाकियाँ लेकर आ गए थे। तो वहाँ हमारे कुछ फौजी जवानों ने उनको रोका, कहने लगे आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आए हैं और हमारा हौसला बढ़ाया आपने, लेकिन अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। सही। जैसे जरूरत होगी हम आपको बताएंगे, आप अभी जो है थोड़ा सा सफर करें, सब्र कर लें। सिविल डिफेंस की, सिविल डिफेंस की आप ट्रेनिंग लें। सारे बच्चे बच्चियां हमारी बहनें खवातीन तक तो बाहर आ गई थी। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उनके लिए खाने तैयार कर रही हैं, उनके पता नहीं क्या क्या, अपनी चूड़ियां जाके बाजारों बेच के पैसे इकट्ठे करके उनकी इमदाद कर रहे थे। ये जज्बा था, ये जज्बा था। ये 6 सितंबर और भी बहुत कुछ है हमारे पास बातें करने के लिए, ब्रेक का थोड़ा सा टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं और वापस आएंगे। और अरशद महमूद साहब ने बड़ा प्यारा एक मिल्ली नगमा हमारे चैनल के लिए रिकॉर्ड करवाया है, उसके ऊपर भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि वो वाला जज्बा हुब्बुल वतनी उस गाने में कितना आया हुआ है। फिलहाल टाइम है ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आते हैं, सिलसिला यहीं से जारी है, सारी रखते हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम दिफाए पाकिस्तान के साथ यहाँ पे हाजिर खिदमत हैं और स्पेशल आज का प्रोग्राम है, और उम्मीद करती हूँ जो आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी मेमोरीज़ आपको सुनने को मिल रही हैं, और वो लोग जो उस वक्त हिस्सा थे और आपने बचपन से जो सारी चीज़ें सुनी होंगी आपकी मेमोरी रिवाइज हो रही होंगी। अभी जो यूथ बैठकर हमें देख रही है, यकीनन आपको भी बहुत कुछ जानने को सीखने को मिल रहा होगा। जब आप अपने लोगों के साथ बैठेंगे, फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, तो इसके ऊपर बात करने के लिए 6 सितंबर के हवाले से आपके पास बहुत सारा मटीरियल जमा हो रहा है, तो कॉपी पेन लेके बैठें, नोट करें ताकि आइंदा आपके फ्यूचर में काम आए। हम बात कर रहे थे अरशद महमूद सर से, उनके सॉन्ग की जो उन्होंने हमारे चैनल के लिए रिकॉर्ड करवाया है, ये है पाकिस्तानी। पहले उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ये है पाकिस्तानी का थीम क्या था, और उसके हवाले से जो लिरिक्स हैं, जो पोइट्री की गई है, जो कंपोजिशन की गई है, और जिस तरह से आपने गायकी की है, तो मुझे इसका लुबा बताएं सर हमारे लिसनर्स को। ये अभी थोड़ी देर पहले आप जो एक बात कर रहे थे ना माइनॉरिटी की, जी, जी 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 बिल्कुल, तो इसमें ये अल्लाह की तरफ से ये सारी बात सामने आ गई कि ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं है, सबका पाकिस्तान है। तो ये नगमा जिन्होंने कंपोज किया, जी जी, ये मेरे बैंड का एक हिस्सा था। ये बेस गिटार प्ले करते हैं और बहुत अच्छी सोच रखते हैं। जॉन मॉल इनका नाम है। अच्छा, जॉन मॉल। और अभी ये आजकल शिकागो में रहते हैं, तो
इन्होंने ये इस नगमे को कंपोज किया था, और इनकी मिसेज जो है मिसेज जॉन मॉल, मुझे उनका नाम तो नहीं आता भाभी का, तो उन्होंने ये नगमा तैयार किया था, लिखा था, अच्छा, उनकी मिसेज ने। तो ये देखिए ना कि सलाम है उनको कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से एक खूबसूरत नगमा लिखा, तो उन्होंने अपना हक अदा किया कि यस दे आर पाकिस्तानी। तो उसके उसके बाद ही इस नगमे को जब मैंने सुना कि बहुत अच्छी कंपोज किया हुआ था, तो मेरा दिल भी चाहा कि मैं इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करूं। तो ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए आपके सामने है, माशाल्लाह। और इसमें भी आपको मेरा कोई भी नगमा आप सुनेगी, जब कोई नेशनल सॉन्ग होगा जी तो उसमें मेरा नेशनल इंटरेस्ट होगा। वो इसलिए होगा ना सर, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि जब ये सितंबर में 6 सितंबर का जब ये इंसिडेंट हुआ, तो आपकी उम्र उस वक्त सब कुछ देखा हुआ, ठीक है, आपने सब कुछ देखा हुआ जी, सब और देखा उस वक्त तो आपको नहीं पता था ना कि ये चीजें इस तरह आगे चल के आपकी लाइफ का मुस्तकिल तौर पर हिस्सा बनेंगी जी, बिल्कुल। और आप उसको बार बार, और यकीनन आपकी फैमिली में भी बहुत सारी चीजें इस तरह होती होंगी कि सिर्फ आपकी आपके लिए तो मेमोरी में हिस्सा नहीं बनी होंगी, और भी दीगर लोग बने होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपकी फैमिली में से कोई ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तानी फोर्स में जिनकी शमूलियत हो? मेरी बड़ी बहन जो है, हम प्यार से तो उनको रानी बाजी कहते हैं। अच्छा, चले, हमारे लिए भी रानी बाजी है। रानी बाजी है। वैसे उनका नाम है मरियम रानी। अच्छा, तो मुझसे तकरीबन 9 साल बड़ी है। सर, उनका जिक्र ना करें, उम्र पे ना जाए, अगर वो सुनेंगे तो आपसे शिकवा करेंगे। आप मेरी भी उम्र, मेरी बहनें जो है ना, मेरी माँ की तरह है, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरे वालिद साहब दुनिया में नहीं है, तो मेरे लिए मेरी बहनें जो हैं बड़ी, यही मेरी माँ की हैसियत रखती हैं, जितनी मेरी बहनें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 बहन भाई हैं, माशाल्लाह। तो एक बहन तो वालदा बताती हैं वो बहुत छोटी सी थी, ज़्यादा उसका नाम था, वो फौत हो गई थी। अच्छा। बाकी 7 बहनें तो माशाल्लाह जवान हुई, फिर 7 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ, माशाल्लाह। तो मैं बड़ा घर में लाडला था, चहीते तरीन होंगे आप जी। तो एक छोटा भाई मेरा हाजी खालिद साहब, वो मुझसे छोटा है 3 साल, बाकी टोटल हम लोग 11 बहन भाई। तो जो हमारी बहन है बाजी रानी, इनका बेटा है सबसे बड़े से छोटा, वो माशाल्लाह इस वक्त कर्नल है, माशाल्लाह, और कमांडो है। और उसके अलावा उनका उनका जो बड़ा बेटा, अभी पिछले साल ही वो बारिशों में करंट लगने से जवान मौत हुई है उनके घर पे। तो अहमद नवाज उनका, अहमद नवाज का जो बेटा है काशिफ, वो इस टाइम कैप्टन है। 2 बच्चे हैं और अभी और भी बच्चे आ रहे हैं और इंशाल्लाह आएंगे। इस कौम के लिए, इस हमारी कौम जो है वो इस पाकिस्तान के लिए हाजिर है, और जहाँ तक हो सकेगा हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे, जब तक हमारे सांस में सांस है, और पाकिस्तान का दिफा करेंगे, हर पाकिस्तानी दिफा करेगा, इंशाल्लाह करेगा, और करना चाहिए। सर, आपको कभी आर्मी का शौक नहीं हुआ बचपन में ये सब? मैंने आर्मी के प्रोग्राम बहुत किए हैं मैंने, यहाँ कराची में, लाहौर में, और मुझे याद है मेरा भांजा जो कर्नल साहब जो है, ये कारगिल लड़ रहा था उस वक्त। अच्छा। कारगिल की जंग में इसने हिस्सा लिया था, सियाचन ऊपर। तो उन दिनों मैं वहाँ शूटिंग कर रहा था, पीटीवी की तरफ से हम लोग गए हुए थे, तो अफीफा सूफिया अल हुसैनी प्रोड्यूसर थी, और उस वक्त असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे अमजद शाह साहब, जो अभी आजकल प्रोग्राम मैनेजर है माशाल्लाह। ये पूरी टीम गई हुई थी वहाँ पे, तो मैं वहाँ होता क्या, जब वेदर थोड़ा सा ख़राब होता तो इस्लामाबाद की फ़्लाइटें जो है ना वो कैंसिल हो जाती हैं। तो हम मैं 3 दिन से इंतज़ार कर रहा था, 4th दिन जब वो फ्लाइट ओके हुई तो एयरपोर्ट पर मैं बैठा हुआ जाने के लिए, तो 3-4 बच्चे आए कैप्टन, तो मुझे आके कहने लगे कि आखिर उन्होंने सलाम किया, तो मैंने बड़े ऐसे बढ़ के जवाब दिया जैसे किसी फौजी को जवाब देना चाहिए जी। तो कह लेंगे कि सर आपका नाम अरशद महमूद है, मैंने कहा जी, कह लें कि अपना कर्नल खालिद जो है वो आपके क्या लगते हैं, कैप्टन खालिद आपके क्या लगते हैं, मैंने कहा मेरा भांजा है। तो कह लेंगे कि वो कारगिल की जंग में वहाँ लड़ते हुए जख्मी हुए और वो यहाँ गिलगित हॉस्पिटल के अंदर है। तो मैंने उसी वक्त अपनी वो फ्लाइट कैंसिल करवाई और मैं सीधा वहाँ चला गया। वहाँ जाके मैंने वहाँ जाके सारे बच्चे जो दूसरे और भी कैप्टन थे उस वक्त, वो कैप्टन था भांजा, सब लोगों से जाके मिला और उसके बाद उन लोगों की खैरियत मालूम की। उसके बाद दूसरे दिन फिर मैं वापस आया, जब
उन्होंने बताया कि जी यहाँ थोड़ा सा ये है कि लाहौर में या इस्लामाबाद चले जाएँ तो ज़रा जल्दी इनको जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो बहरहाल ये किस्से जो है ना, लड़ाई और ये जो है ये साथ साथ चलते। फौजी अगर है तो अगर हाँ उसे जंग नहीं लड़ी तो फिर जी मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही तो वो है आज माशाल्लाह देखिए वहाँ से जंग लड़ के आया, आज इतना पुख्ता है, माशाल्लाह। कोयटा गया, वजीरस्तान गया, काफ़ी जगह उसने माशाल्लाह महाज पे लड़ाई की है। तो लाइव आपको किस्से भी सुनने को मिले होंगे ना, बड़े किस्से भी बताए होंगे उन्होंने, जो एक फीलिंग्स अच्छा होती है जो अच्छा एक... वो संजीदा आदमी है। अच्छा सही, हाँ, शेयरिंग के अभी जो मामले कर्नल में साहब जो है वो संजीदा आदमी है, अच्छा पढ़े लिखे सही। बच्चे हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा क्योंकि फौजी जो है ना वो अपने अब वो होता है यस सर, अब जो उसके बॉस लिमिटेड ने कह रहा ना, गुफ्तगू। हाँ हाँ उन्होंने टू द पॉइंट गुफ्तगू करनी है, जी हाँ। कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी। हो सकता है उसमें से कोई बात बाहर निकल जाए, उसमें से कुछ हो जाए जो हमारे मुल्क के लिए, तो वो नपी तुली गुफ्तगू करते गुफ्तगु हैं। जितने होती भी है। फौजी आप देख लीजिएगा वो अब ऐसी कोई लूज टॉक नहीं करेंगे, कोई ऐसी ज़्यादा गुफ्तगू ही नहीं करेंगे। तो हाँ वो भी जब मिलता है तो बस वो घर की बातें होती हैं, सही वो है, मामू की आले माम फलाना, ये बस इस तरह से बातें होती हैं। सही सही तो सही। और उसके अलावा तो मैं तो कभी GHQ भी नहीं गया, कि अच्छा कभी जी उनके GHQ में जी उनकी थी, जी मैं इस्लामाबाद जाता था प्रोग्राम करने के लिए। मैं नहीं समझता किसी को किसी के काम को डिस्टर्ब करना। तो बस अल्लाह ताला, अब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान के जो अफवाज हैं, जितने भी इदारे हैं जो हमारे मुल्क का दिफा हमारे कर मुल्क रहे की हैं। हिफाजत करते हैं, दिफा करते हैं, आज दिफाए पाकिस्तान है, जी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत याबी के आमीन साथ। सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा सर, मौसीकी की बात हम साथ साथ इसको इंटरलिंक कर रहे हैं, बार बार जिक्र निकल रहा है मैडम नूर जहाँ का, मेहदी हसन का, और चूंकि आपकी भी, आपका भी जो प्रोफेशन है वो गायकी का है, तो बहुत सारे ऐसे और भी आप कंपोज़र्स को जानते होंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को आप जानते होंगे, जो इन्होंने बाद में, उसके बाद भी जो 6 सितंबर का इंसिडेंट है उसको ज़िंदा रखा किसी ना किसी तरीके से, जहाँ बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगर गुलाम मेहदी मरहूम सर, मेहदी हसन सर, और उसके अलावा दीगर और भी सारे सिंगर्स हैं, उसी मेहदी हसन में खान साहब हो मेहदी हसन गए, खान साहब अमानत हो अली गए, खान साहब हो गए, और उसी में सुहेल राणा का भी नाम एक आता है सुहेल कि राणा साहब बहुत उनकी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। जी। नेशनल सॉन्ग के हवाले से हम सुहेल राणा साहब का नाम और खलील अहमद साहब का नाम जी और लाहौर में जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, कुछ का नाम मुझे इस टाइम मेरे जहन में नहीं है, बहुत बड़े लोग जो गुजरे हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किए, बहुत अच्छे जी नाम। तो उसमें सुहेल राणा साहब ने बहुत ज़बरदस्त नगमे बनाए, आप जितने भी नगमे देख लें, शहनाज बेगम के जो जी हाँ। नगमे बनाए हैं और या लाहौर में खलील अहमद साहब ने जो बनाए हैं, वो सारे नगमे ऐसे ही एक नगमे जज्बा आज सा आ जाता है ना, जीवे जीवे पाकिस्तान आप जी सुने, सोनी धरती आप सुने, जी तो एक एक आज के बच्चे गाते हैं ना देख जी लीजिए, हाँ और हर दूसरा सिंगर जो है जिसका दिल करता है गाना हाँ पकड़ता है और गाना शुरू कर देता है, हाँ और मैं दुआ करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई गाओ, बेशक गाओ, आपके जी मुल्क की चीज़ है गाओ, हाँ लेकिन उसके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी ज़रूर जी, होना चाहिए। आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए कुछ नो, भी जिस तरह से जी। उन्होंने गाया, हाँ जिस तरह से उन्होंने गाया उस तरह तो आप नहीं गा सकेंगे, लेकिन एक हाँ जज्बा हुब्बुल वतनी तो वो होना चाहिए, बिल्कुल होना पता तो चाहिए, लगे कि इसके अंदर दम खम कितना है, बिल्कुल रोंगटे बिल्कुल तो खड़े होने चाहिए। सही कह रहे हो आप आप। आते हैं सीधा सीधा गाना गाते हैं, कभी किसी के गाने के टेम्पो को इतना लटा देते हैं, कभी हाँ। वो गाना रहता ही नहीं और है। मेरा ख्याल है गायकी से ज़्यादा शायद वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा होता है, लुक्स के ऊपर ज़्यादा बात हो रही होती है। अगर आप देखें शहनाज़ बेगम का गाना देखें, आप हाँ जीवे जीवे पाकिस्तान आप सुने और देखें, ख्याल भी नहीं आता था कि हम ये गानों को देखें, सिर्फ सुनने पे हमारा फोकस होता था। तो जी जो उस वक्त गायकी, मेरा ख्याल है जो इंसाफ उस दौर में हो गया, शायद अब वो चीज़ें ज़रा मुश्किल से बहुत देखने में आती मुश्किल है, हैं बहुत ना। मुश्किल है। ऐसी कोई मिसाल आज के दौर में आपको नज़र ना आती है ना कुछ ना ऐसे सिंगर ना जिनको आप कह सकें कि हाँ इन्होंने जस्टिस किए हैं, नहीं नहीं कुछ सना मिली जी ऐसा नगमों को। नहीं है ना, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर जो बेचारे चले गए हैं, ना वो शायर रहे हैं। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में सैयद नूर साहब मेरे उस्ताद की जगह, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, वही लेके गए थे कराची से, तो उस वक्त जो मुझे ये बैज मिला जिसके साथ मैंने काम किया, और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर मिले जिनमें जिनके साथ मैंने काम किया, उस वक्त नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनसे तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी, प्यार भी था मेरा, बड़ा प्यार करते थे मुझे, और रॉबिन घोष साहब के साथ मैंने काम किया, अमजद बॉबी साहब के साथ, एम अशरफ साहब के साथ, और बड़े बड़े म्यूजिक एक्टर थे उस वक्त के जो मुझे मिले, तो उनसे मुझे सीखने को मिला। और उस वक्त के जो शायर थे, अपना रियाज़ुर रहमान सागर साहब हो गए, सईद सईद गिलानी साहब हो गए, ख्वाजा परवेज साहब हो गए, अब वो ना शायर रहे बेचारे, चले गए अल्लाह ताला के पास। हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह, जो म्यूजिक एक्टर चले गए हैं, जो शायर चले गए अल्लाह ताला
और उनको जन्नत में आला मकाम दे, और जो बचे हैं या अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना और उनको उनको काम की दौलत से माला माल रखना, ताकि वो अच्छे अच्छे हमारे लिए नगमे बनाते रहें, लिखते रहें और हम गाते रहें। अच्छा, आपकी दुआ से और आपकी गुफ्तगू से, आपके अल्फाजों से, जुमलों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने हमारे चैनल के लिए जो गाना आपने गाया है ये है पाकिस्तानी, उसमें आपने ये सारे जज्बे डाले होंगे, तो क्या हम उसको सुनना भी चाहेंगे, उसको देखना भी चाहेंगे? तो मेरा ख्याल है हम मिल के देख लेते हैं क्या आपने सही मायनों में हमारे चैनल के लिए क्या गाना तैयार किया है। और जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि क्या जज्बे रहोगे आप उसको गायकी गाने के दौरान, तो वो हम मिल के देख लेते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, इजाज़त है आपकी तरफ? जी बिल्कुल इजाज़त है, अगर मैं इजाज़त नहीं भी दूँ तब भी आप देखेंगे। बिल्कुल सही, देखना बनता है सर, सुनना भी बनता है, देखना भी बनता है। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तानी, आप उसको गौर से आपने सुनना है, उसकी कंपोजिशन पर गौर करना है, आपने लिरिक्स के ऊपर गौर करना है। सिर्फ एक सिंगर ने गाया है ये नहीं आपने सोच के देखना है, टाइम ही पास करना है, आपने उसको समझना भी है और सुनना भी है। मिलके सुनते हैं, वापस आते हैं और सर से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से यहीं से जारी और सारी रखते हैं। क्या बात है जनाब, क्या गाना आपने गाया है सर। थैंक यू। और एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला, और उसको जिस तरह से आपने कनेक्ट किया है पाकिस्तानी होने के लिए, ये है पाकिस्तानी। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो वो जो एक जज्बा होता है ना,
कि आप पाकिस्तानी हैं, जी बिल्कुल, जज्बाए हुब्बुल वतन, जज्बाए हुब्बुल जी वतनी, बिल्कुल, और वो चीज़ आपको प्राउड भी फील कराती है, बेशक आप बेशक, बड़ा तहफ़ुज़ भी अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं, और आपको फिर कुछ करने का जज्बा उठता है कि चले हम कुछ बींग अ पाकिस्तानी, इसलिए उसके अंदर कहा है कि भी बी आप पाकिस्तानी है, तो ज़बरदस्त अपाकिस्तान किस्म का नाज़रीन आपने, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से अभी हमारी कैफियत हो रही है, तो सर ने, अरशद महमूद सर ने जब गाया है, तो उनकी क्या कैफियत होगी, क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद उसको ज़िम्मेदारी से जब उसकी अदायगी में अपना वक्त सर्व करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, डेडिकेशन देते हैं, तो एक नायाब चीज़ निकल कर आती है। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि एक नायाब चीज़ आपने सर, एक हमारे म्यूज़िक लाइब्रेरी के लिए आपने तैयार थैंक कर यू, दी है। थैंक यू थैंक यू सो मैम, वेरी मच कि आपने हमारे लिए कुछ सोचा मजीद। तो इतने अच्छे गाने के बाद, इतनी एनर्जेटिक सॉन्ग के बाद, एक चाय तो बनती है सर, क्या बात है, क्या बात है, छा गई चाय चाय पीते हैं मिलकर, आप और सर को चाय पेश करते हैं, और हम भी थोड़ी सी पीते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम थैंक का यू, सिलसिला आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, और फिर रिमेनिंग गुफ्तगू का सिलसिला हम दोबारा यहीं से जोड़ेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, और हाज़िर हैं दोबारा से आप लोगों के पास, और दिफाए पाकिस्तान के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने अरशद महमूद का गाना सुना, और अभी तक हम उसी कैफियत में हैं, और वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम को नहीं, कंटिन्यू अब करना तो एक एक चाय भी पी ली, अब तो वापस आ है जाए लेकिन सर वही, ये एक पाकिस्तानी होने के हवाले से शायद यही वो एक जज्बा है, बिल्कुल, जो मेरा तो ये ख्याल है कि ये होना चाहिए, इसी तरह जवान रहना पता चाहिए। है क्या ऐसा ना, आपके इस चैनल के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने माँ बाप हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको सबको चाहिए कि 6 सितंबर के हवाले से, 9 सितंबर के हवाले से, 23 मार्च के हवाले से और 14 अगस्त के हवाले से अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि वो उस वक्त तक सच्चे पाकिस्तानी नहीं होंगे जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमारे मुल्क में हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ देके बेशक इस मुल्क को आज़ाद करवाया था, और हम आज़ादी से सांस लेते हैं तो आप यकीन करें कि हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद है। बेशक हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारा मुल्क जो है ता हयात इसको आज़ाद रखना, आज़ाद रखे, बिल्कुल ऐसे आज़ाद फ़ज़ा में जो आप सांस लेते हैं, उसकी बात ही क्या अलग है बात सर, है, उसकी क्या तो बात बात है, ही अलग क्या है। बात है। अच्छा अरशद महमूद साहब, आप बहुत अरसे से गायकी कर रहे हैं, हम 6 सितंबर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आपके कुछ गाने मुझे रैंडमली याद आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और उसके हवाले से कुछ मशहूर ये भी है कि माशाल्लाह आप जो हैं पाकिस्तानी यानी कि लॉलीवुड में, आपने रोमांटिक नंबर्स ज़्यादा दिए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, जिसमें आपके दो गाने जो हैं वो देखा जो चेहरा तेरा, और उसके अलावा हो सके तो मेरा एक काम काम कर, करो, आप तो लोगों का काम किया तो मैं आ तो गया आप सही मायनों में सही छाप लगी हुई है सर आपके ऊपर, जो ये गाने तश्कील होते हूँ हैं। ये पता है क्या, लोगों ने बिला वजह से मुझ पे एक छाप लगा दी है अच्छा कि मैं रोमांटिक गाने जो है वो ज़्यादा गाता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके सामने अभी मैंने नेशनल सॉन्ग मैंने गाया, जी और थोड़ी देर से मैं आपको एक और नेशनल सॉन्ग आपको सुनने को मिलेगा। जी जी तो मैंने जहाँ नेशनल सॉन्ग्स गाए हैं, जहाँ रोमांटिक गाने गाए, वहाँ फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से, कोई गाना अगर कोई डांस वाला गाना है, कोई किसी की हीरो की शादी है, हाँ तो मेरी एक आदत है कि मैं उनसे डायरेक्टर से पूछता हूँ कि मुझे बताइए मेरी आवाज़ ये जो गाना है ये किस पे पिक्चराइज होगा, सही है उन्होंने कहा जी ये अरबाज पे होगा या ये गाना शान पे होगा, तो उस लिहाज से फिर मैं उसको सिंगर को उस आर्टिस्ट जहन को में जहन में रखता हूँ, तो हाँ उसको देख के फिर मैं जहन में रख के गाता हूँ, सही और फिर पता चलता है कि उसकी सिचुएशन ये है। गाना एक्चुअल जो है ना वो गा रहा होता है डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर जिस तरह से बताता है कि बेटा जी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर बैठ के आपने गाना गाना है,
तो मैं जब कोई डांस वाला गाना होता तो मैं अंदर माइक के ऊपर जो है, जो अंदर स्टैंड लगा होता है उस पर मैं डांस भी कर रहा होता हूँ, सही है और पूरा मैं अपने आप के ऊपर तारीफ एंजॉय कर लेता, करके, इंजॉय करता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई रोमांटिक गाना होता है तो मैं माइक के ऊपर ऐसे करके बिल्कुल जैसे एक रोमांटिक जी जी सीन जी होता है जी वो पूरा मैं माइक के साथ रोमांस कर रहा होता हूँ, और उसके साथ मैं मतलब गाता हूँ ताकि मेरी अंदर की जितनी फीलिंग है वो आए। जितने भी गाने मेरे रोमांटिक आप सुन लें, आपने तो सिर्फ ये दो गानों का कहा है, अभी जी और बहुत सारी फिल्में हैं हाँ हाँ जो हमने काम किए, लेकिन एक मैंने अपने डायरेक्टर साहब से एक बात कही, मैंने कहा कि यार वो भी यही चाहते थे, लेकिन वहाँ रवाज क्या था कि जी पहले मेल सिंगर आ जाए वो गा के चला जाए, या पहले फीमेल आ जाए वो अपना पोर्शन गा के चली जाए, तो हाँ फिर दूसरा। तो मैंने कहा इससे ड्यूट का मज़ा नहीं आएगा, मेरा ड्यूट जो आप करें तो जो लड़की मेरे साथ गाए, जो भी फीमेल सिंगर गाए, उसको कहें सामने खड़ी हो, उसको माइक दें, वो अपने माइक पर खड़ी हो, मैं अपने माइक पर खड़ा हूँ, सही है ताकि हम एक दूसरे को देखें, हाँ देख के गाएं, तब तो फीलिंग निकलेगी। और जितने गाने हमने, मैं सारा के साथ गाए, सारा नसीम के साथ मैंने बहुत गाने गाए हैं, और शबनम मजीद के साथ बहुत गाए हैं, और शाजिया के साथ बहुत गाए, हुमैरा चन्ना के साथ, जिनके साथ भी गाए, ऐसे सामने खड़े होकर गाए, सही और है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वो गाने हमने किए हैं उनकी फीलिंग ही अलग है, और इस फिल्म का मज़ा ही अलग है। फिर वो गाना जब आप फिल्म पे देखते हैं ना तो आपको लगता है कि हाँ भाई, अगर मैनाज साहिबा ने मुझे पहली दफ़ा, मैनाज साहिबा ने कहा, मैं जब पहली फिल्म कर रहा था कसम, तो मुझे दूसरी जगह खड़ा कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने, मैनाज साहिबा ने कहा कि नहीं नहीं बॉबी साहब, अक्षय साहब को यहीं खड़ा करें आप, सही है यहीं इनका माइक लगा दें। तो ये खड़ी हुई हैं मैडम, और मैनाज वो छोटी थी मुझसे लेकिन अदब में मुझसे, जाहिर है मेरी सीनियर थी, और ऐसे हमने सामने आमने सामने खड़े होकर हमने वो गाने किए। फिल्म कसम थी सैयद नूर साहब की पहली, ये बात है 87-88 की, सही उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है, हो जाता है हम सिचुएशनल सॉन्ग गाते हैं, बिलावज से हमारे पे छाप लगा देते हैं हाँ कि रोमांटिक गाने ज़्यादा गाता है, बिलावज बदनाम करते हैं, भाई मैं सारे गाने गाता सही है, हूँ। आर्टिस्ट हैं अब तो जी जाहिर सी बात वर्सटाइल है, होना चाहिए बंदे वर्सटाइल को, होना चाहिए उसमें, बिल्कुल ये ऑलराउंडर किसे कहते हैं, इसी को तो बिल्कुल कहते हैं, अपनी बिल्कुल फील्ड के आप ऑलराउंडर हैं। अच्छा सर, चूंकि प्रोग्राम 6 सितंबर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे ये सवाल ना करूं कि 6 सितंबर के हवाले से आपकी कोई ऐसी यादगार मेमोरी, कोई एक किस्सा किस्सा जो आपकी बचपन का भी हिस्सा है, 6 सितंबर का भी हिस्सा है, आपकी लाइफ का हिस्सा है, जो आप अभी तक आपके जहन से कभी निकला नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, 6 सितंबर के हवाले से ये किस्सा जो है ना, ये कभी भी फरामोश नहीं कर सकते आप, और मुझे उस वक्त ये बहुत ज़्यादा याद आया जब मैं सरगोधा बेस पे एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहा था बेस कमांडर साहब का, और बड़ा ज़बरदस्त मैंने प्रोग्राम किया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मुझे वो F-16 नया नया आया था, तो मैंने कहा बस मुझे F-16 देखना है, तो उन्होंने पूरी टीम मुझे दी, तो F-16 दिखाने के लिए ले गए। तो वहाँ पे एक शख्सियत, हमारा जो हीरो है उसका मुजस्मा भी लगा हुआ है, और वो उनका नाम है MM आलम, मोहम्मद हाँ, मोहम्मद बहुत महमूद बड़ा नाम। आलम साहब, ये वो शख्सियत थे कि इनका जो कारनामा है उसके अंदर जी एक, ये MM आलम साहब और इम्तियाज़ भट्टी साहब, ये उस बेस से इन्होंने जब देखा कि दुश्मन के जहाज़ इस साइड पे आ रहे हैं, तो MM आलम साहब का जो कारनामा था, उन्होंने 1 मिनट के अंदर जी 5 जहाज जो थे उनको गिराया था, उनको मारा था। और मैं समझता हूँ कि यह किस्सा एक ऐसा किस्सा है कि हमारे हीरो का जो MM आलम को याद नहीं रख सकता, बिल्कुल तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी नहीं है। बिल्कुल अगर ऐसे वो ही है, पाकिस्तानी है तो MM आलम को ज़रूर याद रखेगा, बिल्कुल ऐसे ही मेजर है। अजीज़ भट्टी को ज़रूर याद रखेगा, इम्तियाज़ भट्टी को ज़रूर याद रखेगा, इन ये वो राशिद हीरोज हैं हमारे। मिन्हाज, जी बिल्कुल राजकीय बिल्कुल मना, जितने भी हमारे हीरोज हैं उनको ज़रूरी हमेशा याद रखना चाहिए, बिल्कुल और हर चैनल को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हमारे हीरोज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हावनों दें, जो हमारी आज का जो यूथ है उनको प्रॉपर जो है वो मैसेज कन्वे हो सके। सही सही। अच्छा सर, आपने अभी जो एक हमने आपका एक मिलके जो हमने नगमा सुना, ये है पाकिस्तानी, उसके अलावा आपने एक और भी तो क्रेडिट ले लिया है ना, कायद का फरमान गाकर। जी ये क्रेडिट पता किसने लिया है, जी ये लिया है मोहम्मद अब्दुल्ला चिली साहब ने, अच्छा ये बहुत सही। बड़े शायर हैं, और इन्होंने मेरे लिए एक फिल्म के लिए एक नगमा लिखा था कि आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, हाँ
क्या बात है. ये यूसुफ आप के जो डायरेक्टर हैं वो भी खुश हो जाएंगे जरा. हाँ चलेगा, ये जरूरी है उन्होंने, खुश करना उनको भी ना. जी उन्होंने मेरे लिए डंपा लिखा था कि आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हसीन तुझसा सनम, ए दिल रुबा, ए दिल रुबा नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा 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 बाखुदा. क्या बात है. ये एम अशरफ साहब ने कंपोज किया था फिल्म के लिए, और क्या खूबसूरत गाना है. कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप सुनिएगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर. फिलहाल तो हम मिलके कायद का फरमान सुनते हैं ना. अभी कायद का फरमान जो है, अगर नहीं सुनेंगे तो प्रोग्राम अधूरा हो जाएगा. इसी शायर ने लिखा है, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने. जी जी. और मुजाहिद हुसैन साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जी, उनके जो छोटे भाई हैं नासिर हुसैन साहब, उन्होंने ये नगमे को कंपोज किया. सही. मैं वैसे अपने उस्ताद के बारे में बता दूं कि मेरे पहले उस्ताद जो हैं जिन्होंने मुझे सिखाया वो हैं मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब. अच्छा. दुनिया में नहीं है. जी जी जी. और उसके बाद एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का. जी बेशक बेशक. उसके बाद जो मेरे उस्ताद हैं मुजाहिद हुसैन खान साहब और अजहर हुसैन साहब, बाकी जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने जिन्होंने मुझे अपनी कंपोजिशन सिखाई है वो भी मेरे लिए उतने ही मोहतरम उस्ताद है जितने मेरे वो गंडाबाद उस्ताद है. जबरदस्त हो गया. तो सर क्या ख्याल है, सुनते हैं मिलके कायद का फरमान. कायद का फरमान मिलके सुनते हैं. और मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो हमने ये है पाकिस्तानी सुना था ये उससे ज्यादा जज्बे हुब्बुल वतनी समेटे हुआ होगा. हम सबका पाकिस्तान कायद का फरमान मिलके सुनते हैं. और जब आप कहीं पर भी नहीं रहे हैं हमारे साथ व्यूअर्स, वापस आते हैं और नगमे को सुनकर फिर देखते हैं कि सर से क्या गुफ्तगू हमारी कंटिन्यू होती है. जब आप कहीं भी नहीं रहे मिलके नगमा सुनते हैं. पंजाबी बलोच पठान, सिंधी पंजाबी बलोच पठान, हुए ते जब ये एक जान, फिर बनाता पाकिस्तान. ये मेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, ये प्यारा पाकिस्तान, ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान. इस्लाम की ताकत को बढ़ाओ, मुस्लिम जहां जहां है सब एक हो जाओ. तुम कुव्वते इस्लाम की ताकत को बढ़ाओ, मुस्लिम जहां जहां है सब एक हो जाओ. यज्ञ से दुनिया में होगी तुम्हारी. इस दुनिया में मुस्लिम की पहचान, एक खुदा हम सबका है और एक है कुरान, कलमा इस दुनिया में मुस्लिम की पहचान. खुदाए जुल जलाल है तुम सबका निगेबान. फरमान कायद का फरमान.
का फरमान, सिंधी पंजाबी बलोच पठान, सिंधी पंजाबी बलोच पठान, हुए ते जब ये एक जान। क्या बात है जनाब, आयत का फरमा। अब आप बताइए क्या बात है। सिंधी पंजाबी बलोची पठान, और आपने एक और, तब जो मैं अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये है पाकिस्तानी नंबर वन पे होना चाहिए या आयत का फरमान नंबर वन पे होना चाहिए, और कैसे जस्टिस होगा इसके साथ। ये जो हमारे देखने वाले हैं, हाँ, जो VenusHD को देख रहे हैं जी जी, वो आपको यहाँ पे मैसेजेस करें, ठीक है, और वो बताएं कि जी इन दोनों में से कौन सा गाना नंबर वन होना चाहिए। बस व्यूअर सुन ले, एक आपको टास्क मिल गया है, अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। ऐसे ही वो आपको याद होगा लॉलीवुड में जो टॉप 10 गाने, टॉप 20 गाने, इसी तरह की तो वो कैटेगराइज किया करते थे। आपने जो गुफ्तगू की ना कि ये लॉलीवुड वाला जी जी, ये जब मेरी फिल्म आई थी ना घूंघट जी, उसका ये गाना आया था, देखा जो चेहरा तेरा, तो ये एक प्रोग्राम किया करती थी नादिया, नादिया खान जो शुरू करती है ना अभी मॉर्निंग, ये वो प्रोग्राम किया करती थी फिल्म का। हाँ। तो एक साल के बाद जो दिसंबर में जो वाइंड अप प्रोग्राम होते थे ना कि साल में कौन सा प्रोग्राम, हाँ, कितना चला गया, तो वो उन्होंने बताया कि ये मेरा गाना जो है देखा जो चेहरा तेरा, ये पूरा साल, पूरा साल उनके प्रोग्राम के अंदर नंबर वन की पोजिशन पर रहा। क्या बात है। क्या फिर उसके साथ ही एक नया चैनल आ गया था एस्ट्रियन जी, उसका एक प्रोग्राम किया करते थे राशिद खाजा साहब, और राशिद खाजा साहब ने जो 100 प्रोग्राम हुए उसके अंदर इफ़त रहीम वो प्रोग्राम किया करती थी, तो वो प्रोग्राम जब 100 वीक प्रोग्राम के हो गए तो उन्होंने मुझे लाहौर बुलवाया, टिकट भेजा उन्होंने, बड़ी मेरी इज्जत की, बहुत खिदमत की, मुझे लाहौर बुलाया, तो वहाँ मैंने कहा जी मुझे किस सिलसिले में बुलाया, मुझे थोड़े गुफ्तगू का बताएं। कह लेंगे कि अरशद तुम्हारा गाना जो है हो सके तो मेरा काम करो, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ये 100वां हमारा प्रोग्राम है, इसके हर प्रोग्राम के अंदर नंबर वन की पोजीशन पर आए। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे मेरे फिल्म इंडस्ट्री की जो है ना उसके लिए बेहतरी है कि हम चाहते हैं कि हमारे, और अभी ये जो दो गाने आपने गा दिए हैं, अब सोचें फिर ये कहाँ पे जाएंगे। अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। अच्छा सर, थैंक यू सो मच आप प्रोग्राम में आए, लेकिन चूंकि 6 सितंबर दिफाए पाकिस्तान और हमेशा जिंदा रहेगा हम सबके दिलों में, दिमाग में, और अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन, आमीन। और हमारे तमाम फोर्सेस को सलामत रखे, और जो ये तहफ्फुज़ और आज़ादी की जो फ़ज़ा में हम सांस लेते हैं अल्लाह पाक इसको बरकरार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं ये चाहूँगी कि एज़ अ पाकिस्तानी आप हमारे यूथ को, हमारे नेशन को कुछ पैगाम आप देना चाहें जो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी आजकल के दौर में वक्त की बहुत ज़रूरत है, तो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। सना, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक तो डिफेंस डे है आज जी, और मैं यकजहती की बात करता हूँ, मैं क्या अल्लाह ने भी ये ऐसी एक बात जोड़ कर रखा है पूरी दुनिया को। देखिए ये हाथ है ना आपका, ये ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे तो ताकत होगी, बिल्कुल, ये खोलेंगे तो ताकत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हर सूबे की अपनी क्या अहमियत है, खाबो सिंधी हो, मेरे गाने से रिलेटेड मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ कि सिंधी पंजाबी बलोच पठान कोई भी हो, हर एक की अपनी एक हैसियत है, सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सब लोगों को आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सिपारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदा। क्या बात है, ये एक जो आपने सर मैसेज दिया है ऐसा होना चाहिए, लॉजिक्स की बात होती है, कॉन्सेप्ट्स की बात होती है ना, जब आपके जहन में लॉजिक और कॉन्सेप्ट बचपन से आपके रूट्स में जब बिठाए जाते हैं, तो जैसे जैसे आप जवान होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप उम्र क्रॉस करते हैं, तो वो चीज़ पुख्ता होती चली जाती है, और आज सही मायने में नेशन को इसी चीज़ की ज़रूरत है, इन्हीं सारी चीज़ों की मैं समझती हूँ शायद शिद्दत से ज़रूरत है, सिर्फ ज़रूरत नहीं है, शिद्दत से ज़रूरत है। सना, मैं आज पहली दफ़ा ऐसे किसी प्रोग्राम के अंदर आया हूँ, मैं अपनी कौम से पहले से माफ़ी मांगता हूँ, अगर मुझसे कोई किसी लफ्ज़ में कोई गलती हो गई हो तो अज़राए कर मुझे माफ़ कीजिए। थैंक यू सो मच सर,
وقت نکالنے کے لیے. پاکستان زندہ باد. اور آپ نے بہت اچھی میموری شیئر کی. دفاع پاکستان کے بارے میں آپ بات کریں, آپ پاکستان کے اوپر بات کریں, آپ شہر میں, پاکستان میں کسی بھی خطے میں آپ رہتے ہوں, کہیں پہ بھی رہتے ہوں, کوئی بھی گلی محلہ ہو آپ کا, ہر چیز آپ کی ملکیت ہے, ہر چیز آپ کی آئیڈینٹی سے تعلق رکھتی ہے. جہاں پہ فرقہ واریت کی بات آتی ہے, جہاں پہ اور دیگر ساری بہت ساری چیزیں ڈسکشن میں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کا فوکس صرف پاکستانی ہونے پر ہوگا تو آپ صرف اپنی رسپانسبلٹی کے اوپر فوکس کریں گے. اور میرا خیال ہے فی زمانہ آج دوبارہ سے بہت شدت سے ضرورت ہے کہ آپ اپنے پاکستانی ہونے کی اہمیت کو سمجھیں. جب آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو وہ چیز آپ کے روٹس کے ذریعے آپ کی نسل میں ٹرانسفر ہوگی, اور شاید آج صحیح معنوں میں اس نسل کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دفاع پاکستان آج سے 56 سال پہلے جب یہ انسیڈنٹ ہوا, اس کی میموری آج تک ہمارے دل میں ایسے ہی ہے جیسے کل کا واقعہ ہو. اس چیز کو دوبارہ سے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری ماؤں کو ضرورت ہے کہ اپنی یوتھ کی, اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, اس ان کو پرانی ساری چیزیں اس لیے نہ بتائیں کہ صرف آپ نے اسکول میں پڑھنا ہے, کالج میں گانا ہے تو آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, سیکھ لیں, یاد کر لیں. اس کو آپ نے ایز اے نیشن حب الوطنی کا جذبہ آپ نے پیدا کرنا ہے, اس کو ڈلیور کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے, ماؤں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. دفاع پاکستان کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ آج ہم یہاں پہ موجود تھے, اور اس امید کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج لے کر آئے گا. اللہ حافظ.